वह दिग्गज राजनेता जिसे मध्य प्रदेश में मजबूत पकड़ रखने वाली भाजपा की नींव रखने वाले नेताओं में गिना जाता है। संघ का वह सिपाही जिसने कांग्रेस के अभेद किले के रूप में जाने जाने वाले उस छिंदवाड़ा में सेंध लगाई थी जिसे ना तो उससे पहले ना उसके बाद कोई और भेद पाया। नमस्कार, एमपी न्यूज के इस स्पेशल सेगमेंट इन्हें राजनेता कहते हैं कि इस एपिसोड में मैं आदित्य यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं कहानी मध्य प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत नेता सुंदरलाल पटवा की। सुंदरलाल पटवा का जन्म 11 नवंबर 1924 को कुकड़ेश्वर में हुआ था, जो कि नीमच से 45 किलोमीटर दूर बसा एक कस्बा है। पटवा 17 साल की उम्र से ही संघ से जुड़ गए थे और 1947 से 1951 तक वे संघ के प्रचारक रहे थे। 1948 में संघ आंदोलन से जुड़े होने के कारण पटवा को 7 माह की जेल हुई थी। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई और सुंदरलाल पटवा जनसंघ से जुड़ गए और उसके एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उभरे। आपातकाल के दौरान 27 जून 1975 से 28 जनवरी 1977 तक सुंदरलाल पटवा को मीसाबंदी के रूप में जेल हुई थी। पटवा 1957 से 1967, 1977 से 1996 और 1998 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। माना जाता है कि पटवा जब पहली बार विधायक बने तब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उन्हें बड़ी मुश्किल से चुनावी मैदान में उतरने के लिए मनाया गया था। 1957 में जनसंघ जनता पार्टी से जुड़ गया था और पटवा पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री 20 जनवरी 1980 को बने थे, लेकिन 17 फरवरी 1980 तक ही वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रह पाए, क्योंकि इंदिरा गांधी और कांग्रेस आपातकाल के बाद पुनः सत्ता में काबिज हो गए थे और पूरे देश में जितनी भी गैर कांग्रेसी सरकारें थी उन सभी को बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद 10 साल तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान पटवा विपक्ष के नेता भी रहे। साल 1990 इस समय पूरे देश में राम मंदिर पर राजनीति अपने चरम पर थी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना भी हो चुकी थी। फिर 5 मार्च 1990 को सुंदरलाल पटवा दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन एक बार फिर सुंदरलाल पटवा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 15 दिसंबर 1992 को उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, जिसके बाद पूरे देश में दंगे फैले और इन दंगों की लपटें भोपाल में भी फैली, जिसके बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। छिंदवाड़ा, जो कि कांग्रेस का और कमलनाथ का एक अभेद किला माना जाता है, लेकिन सुंदरलाल पटवा ने इस अभेद किले में भी सेंध लगाई थी। 1957 के आम चुनाव में जैन हवाला मामले में नाम आने के चलते कमलनाथ को टिकट नहीं दिया गया था, जिसके बाद उनकी पत्नी अलका नाथ चुनावी मैदान में उतरी थी और उन्होंने जीत हासिल करी थी। लेकिन 1997 में कमलनाथ ने वापसी करी और अलका नाथ ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद छिंदवाड़ा में उपचुनाव हुए। लेकिन इस बार भाजपा ने चुनावी मैदान में कमलनाथ के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा को उतारा। यह मुकाबला चर्चाओं का विषय बन गया और सुंदरलाल पटवा ने इस चुनाव में जीत हासिल कर सबको हैरान कर दिया, लेकिन वो अगले ही चुनाव में हार गए और कमलनाथ ने फिर से अपने किले पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद पटवा ने होशंगाबाद की सीट की ओर रुख किया और वहां से वे सांसद चुने गए और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया। इसके अलावा पटवा केंद्र में रसायनक और उर्वरक तथा खनन मंत्री भी रहे। 28 दिसंबर 2016 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से सुंदरलाल पटवा का भोपाल में निधन हो गया। सुंदरलाल पटवा की कोई संतान नहीं है। उनके भतीजे सुरेंद्र पटवा शिवराज सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री रह चुके हैं,
और फिलहाल मध्य प्रदेश की भोजपुरी विधानसभा से विधायक हैं। इन्हें राजनेता कहते हैं कि इस एपिसोड में बस इतना ही। देश और प्रदेश के राजनेताओं की कहानियां जानने के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज का स्पेशल सेगमेंट इन्हें राजनेता कहते हैं।